सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है SN1 केमिकल रिएक्शन। ठीक है, SN1 केमिकल रिएक्शन जो है बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को जनरल वे से बताऊंगा कि वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा और फिर एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, कॉपी ले लो, पेन ले लो, बैठ जाओ और पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, फायदा आपको तभी मिलेगा। आता है समझ में? सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहां पर SN1 का मतलब समझते हैं। तो देखिए, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। Now what about N? N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर इसका मतलब क्या है, ध्यान से उसको देख लो, और वो भी बताऊंगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। और फाइनली देखिए यहां पर जो वन लिखा हुआ है वो है यूनिमोलिक्यूलर। क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसका एक्चुअल में नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो यहां पर यूनिमोलिक्यूलर का मतलब है इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है वो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था, या फिर एट द सेम टाइम ऑर्डर। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी या फिर ऑर्डर, जिससे आप रेट लिखते हो बेसिकली। ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट की पावर होती है वहां से ऑर्डर आता है। ठीक है, तो वो कितना होगा? ये दोनों होंगे वन। वन की वजह से यहां पर यूनिमोलिक्यूलर आपने लगाया। क्लियर होता है सब लोगों को? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहां पर एक रिएजेंट होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसको पॉजिटिव के लिए अफेक्शन हो। न्यूक्लियो, न्यूक्लियस में कौन होता है? पॉजिटिव। तो फाइनली न्यूक्लियो का मतलब हो गया पॉजिटिव, फिलिक का मतलब हो गया अफेक्शन। ठीक है, सबको समझ में आता है? सो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा बेसिकली जो कि यहां पर आके अटैक करेगा। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला। तो उसको दिखाने का तरीका क्या है? एनयू माइनस, उस पर खुद पे माइनस होएगा तभी तो वो प्लस के लिए अफेक्शन रखेगा। सो फाइनली एनयू माइनस, और आके वो क्या करेगा, किसी दूसरे नेगेटिव पार्ट को जो कि उस सब्स्ट्रेट में होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब वहां से हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। आता है समझ में? इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। सबको समझ में आ गया? अब इसको डिटेलिंग करवाता हूं, ध्यान से उसको देखो, बस यही इंटरेस्टिंग है। हमने अभी तक सिर्फ नाम समझा है, अब मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं कि यहां पर एक्चुअल में होता क्या है। सबको समझ में आ गया? तो ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सेंस क्या है, ध्यान से उसको देखिए। ऑप्टिकली एक्टिव मैंने वैसे कल बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होएगा, आप कैसे पहचानोगे? तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसके पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। अब कायरल कार्बन क्या होता है बेसिकली? जिसमें कार्बन की जो चार वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, चार वैलेंसीज, वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और अगर कायरल कार्बन जनरली किसी कंपाउंड के पास होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि वो PPL यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को, या तो वो अगर आप उस सॉल्यूशन से गुजरवाते हैं तो या तो उसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा या फिर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। बस यही फर्क होता है। आया सबको समझ में? मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। तो मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लूंगा, चलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लेते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा, मैं उस तरफ उसको लिखता हूं। ठीक है, सो ध्यान से उसको देखिए, पहले जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखते हैं फिर उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता कुछ यूं है यहां पे कि मैंने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, मान लेते हैं ये मैंने कार्बन लगाया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होएगा कि मैं मान लेता हूं यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन लगाया और कंपाउंड में मुझे हेलो एल्केन लेना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं? एल्केन की, हेलो एल्केन की। तो चलिए फाइनली यहां पर ये हमने एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी, एक वैलेंसी उसकी हेलोजन से कंप्लीट कर दी। आता है सबको समझ में? क्योंकि हमें हेलो एल्केन लेने, यानी कि केमिकल रिएक्शन तो इसी के ऊपर होने वाला है ना। तो चलिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वैलेंसी, अब मैंने डैश फॉर्म में दिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जब वो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, तो टेट्राहेड्रल। तो ये जो आपकी डैश पोजीशन मतलब क्या होता है, ये आपसे दूर है और इस पर कोई एक ग्रुप जोड़ दिया आर,
आर वो कुछ भी हो सकता है, और एक वेज पोजीशन पे जोड़ दिया, मतलब ये आपकी तरफ है, मतलब एक्स और एच तो बोर्ड के अंदर है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बाहर निकल रहा है पॉइंट से, क्लियर होता है, ये तो प्लेन था, प्लेन से बाहर निकल रहा है आपकी तरफ, और अगर प्लेन से उस तरफ है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डैश से, और अगर आपकी तरफ है तो उसको किससे दिखाते हैं, वेज से, तो यहां पर मान लेता हूं आर डैश, मतलब सारे ग्रुप अलग हो गए, ये देखो ये एक्स है, ये एच है, ये आर है, ये आर डैश है, सबको समझ में आ गया, सब ग्रुप अलग अलग है, तो ये कैसा हो गया, काइरल कार्बन हो गया, और अगर ये काइरल कार्बन है तो बेसिकली यहां पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। तब सीन कुछ ऐसा है, ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो केमिकल रिएक्शन है, वो दो स्टेप में होती है, अब वो दो स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। देखिए यहां पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ध्यान से उसको समझिएगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो उस न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव की तलाश है। अभी पॉजिटिव उसको किधर मिलेगा, हमको पता है कि एक्स जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब सीन कुछ ऐसा है कि ये पॉजिटिव पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। मजे की बात, SN1 केमिकल रिएक्शन में आपको कंपाउंड के तौर पे, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंपाउंड के तौर पे यहां आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है। अब ये क्या बला है, बस यही इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो सब सेम था जो कि आपको दिखाई दे रहा था, SN2 के अंदर भी ऐसा था, SN1 में भी अभी तक ऐसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन SN2 केमिकल रिएक्शन में आपको इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा था, ठीक है, लेकिन SN1 केमिकल रिएक्शन में आपको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। आप कई लोग सोच रहे होंगे रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक एक स्टेप में समझाता हूं, क्लियर होता है ये, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। अब देखिए आपको आगे मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं कुछ एक चीजें यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, देखिए क्या क्या लिखता हूं। सबसे पहले तो ये पूरी जो केमिकल रिएक्शन है SN1 वो दो स्टेप में होती है, ठीक है, कितने स्टेप में होते हैं, इट अकर्स इन टू स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्टेप में होती है। आपको याद है SN2 केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाया करती थी, जबकि यहां पर SN1 केमिकल रिएक्शन दो स्टेप में होगी, आया सबको समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा, वो अटैक नहीं कर सकता। आप याद करो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब SN2 लिखवाया था तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को ही वहां अटैक करना था, क्लियर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं, यहां पर आप यहां पर क्या लोगे, याद करो SN2 केमिकल रिएक्शन में आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना था, जबकि यहां पर उल्टा है, यहां पर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं उसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा कैसे हो गया। सो पहले हम लोग समझ लें, थोड़ा थोड़ा पिक्चर बना लेते हैं कि ये दो स्टेप में होगा, एक स्टेप में नहीं होगा, ये जस्ट कॉन्ट्रेरी पार्ट है। अब कई लोग पूछते हैं कि यहां पर SN1 और SN2 में फर्क क्या है, तो देखिए ये डिफरेंसेस मैं क्रिएट करवा रहा हूं, वो एक में होती थी, ये दो में होती है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता था, यहां पर वीक है, वहां पर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते थे, यहां पर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे, पोलर भी होना चाहिए और प्रोटिक भी होना चाहिए, जैसे कि H2O, ये देखिए वॉटर, वॉटर पोलर भी होता है प्रोटिक भी होता है, देखिए वॉटर जो है बेसिकली टूट सकता है H+ एंड OH- में, सबको पता है ना ये बात, तो अभी पोलर भी होता है, ये देखिए पार्शियल नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये हम सब जानते हैं। तो आपको ऐसे सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लो। और फोर्थ पॉइंट जो है, जो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेसमिक मिक्सचर के रिस्पेक्ट में, क्लियर होता है। सो यहां पर रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हमने 11th क्लास में पढ़ लिया होता है। रेसमिक मिक्सचर इज नथिंग बट आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसके अंदर लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों तरह के, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों तरह के कंपाउंड पैदा होंगे। मैं आपको एक बार यहां पर लिख देता हूं, फिर वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। सो देखिए मतलब ये है कि यहां पर आपको जब कंपाउंड मिलेगा, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो इस एक्स को निकलना है, तो दो तरह के कंपाउंड ऐसे बनेंगे। देखिए एक तरह का कंपाउंड तो ऐसा ही दिखेगा, ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर है, ये डैश पोजीशन पे कौन है आर, और वेज पोजीशन पे कौन है आर डैश, और यहां पर एक्स की जगह कौन ले लेगा न्यूक्लियोफाइल। एक तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ये कार्बन अभी भी कायरल है, और अभी इसने क्या किया, सेम
सेम आपको पोजीशन दिखाई दे रही है तीनों ग्रुप की, इसको रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन कंपाउंड। ठीक है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, उसने अपनी जितने भी ग्रुप है सबने अपनी जो पोजीशन है रिटेन करी, सेम की सेम ही रखी। और एक इसका जस्ट उल्टा बनेगा, मतलब यहां पर कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, तो यहां पर डैश पोजीशन पे देखिए आर, और वेज पोजीशन पे कौन होगा आर डैश, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। अब देखिए एक दूसरे की मिरर इमेज है, आया सबको समझ में, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। उसका जैसे उल्टा हो गया, सारे ग्रुप इधर थे सारे ग्रुप उधर चले गए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मजे की बात, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। अब देखिए ये इतना आसान है, ध्यान से उसको देखिए, ये आपको मिलने वाला है कहां पर, प्रोडक्ट में। क्लियर होता है, ये प्रोडक्ट में मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, आपको प्रोटिक सॉल्वेंट लेके काम करवाना है, और दो स्टेप में केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बस ये दो स्टेप में ये कैसे होता है वही हमें पढ़ना है। मैंने आपको मोटा मोटा बहुत सारी चीजें बता दी हैं, और यहां पर एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है एकदम से, समझ में आ गया सबको। अब बस हमें सिर्फ इतना करना है कि इसको समझना है कि ये सब कैसे हुआ और इन सब का मतलब है क्या, सारी कड़ियों को जोड़ देंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम लोग SN1 केमिकल रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट अभी तक हमने लिखे वो सबको इस मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, और मैं आपको इसमें और भी चीजें बताऊंगा, और उसके बाद एग्जांपल आता है समझ में, तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात मैंने क्या कही कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो टू स्टेप केमिकल रिएक्शन है, मतलब दो स्टेप में होगी। तो चलिए इसको स्टेप वाइज देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने समझा ये टू स्टेप केमिकल रिएक्शन है, तो हम लोग स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यस, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सारा मैकेनिज्म जो है वो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है स्टेप वन कहलाता है, आया सबको समझ में। जबकि आपने अगर गौर किया हो तो देखो ये फिर से एक नया डिफरेंस आ गया, जिसको हम एक अलग से वीडियो बना के करेंगे कि SN1 और SN2 में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग SN1 पढ़ रहे हैं, उसका स्टेप नंबर वन करने जा रहे हैं। आप लोग याद करो SN2 के अंदर कोई कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता था, लेकिन यहां पर स्पेशली सबसे पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, आता है सबको समझ में। तो देखिए स्टेप वन को हम लोग यहां प्रोसीड करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये जितने भी उसके पास ग्रुप होंगे वो भी हमें क्या लेना है, हेलो एल्केन, तो मैंने एक्स लगा दिया। जितने भी ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, यहां पर एक्स लगाया या एच लगाया। अब जो उसकी डैश पोजिशन है उसमें मान लेता हूं आर लगा दिया, और जो वेज पोजिशन है उसमें मैंने आर डैश लगा दिया, आता है सबको समझ में। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। सबसे पहले होगा कुछ यूं कि फर्स्ट स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम करना इसने है, और साथ में आपको यहां पर क्या रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि हम यहां पर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी को, H2O। H2O की खास बात यह होती है कि उसकी डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो वो क्या करेगा, देखिए यहां पर ऑलरेडी पोलैरिटी जनरेटेड है, एक्स हमको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, हम पहले से जानते हैं। अब ये जो बॉन्ड है बेसिकली पहले से थोड़ा सा वीक ही है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं किस तरफ, एक्स की तरफ, इसको तोड़ना आसान है। ऊपर से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया है जिसमें पानी होता है, पानी की डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, और वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है, आया सबको समझ में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है ये पानी, इसलिए हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है। आप इसकी जगह पे CH3CWH भी डाल सकते हैं, एसिडिक एसिड, मतलब वो पोलर भी होना चाहिए और प्रोटिक उस एक प्रोटॉन भी होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला काम जो स्टेप वन में होता है इस बॉन्ड का ब्रेक होता है। अब कैसे, मतलब फर्स्ट स्टेप में ही लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, आता है समझ में, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जब लेके निकला तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव की जगह फुल्ली पॉजिटिव साइन आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल चुका है, और यहां से कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी। अब आप खुद से सोचो, जब ये निकल ही लिया तो क्या ये तीनों रिलैक्स नहीं होंगे, रिलैक्स का मतलब समझिए, ये पहले ऐसे मुड़े हुए थे, ठीक है, और पीछे ये एक्स लगा हुआ था। अब जैसे ही एक्स निकला तो ये सीधे होने शुरू हो जाएंगे, सही है, अब सीधे हुए तो ये निकल गया है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, देखो ऐसे, पहले कैसे थे ऐसे,
फिर कैसे हो गए एकदम से यूं, आता है समझ में? कितनी आसानी समझ में आ सकता है अगर आप ध्यान से समझे तो। अगर ये कार्बन है और ये वो आपके तीनों ग्रुप लगे हुए हैं, सपोज, आता है सबको समझ में, ये तीन ग्रुप और पीछे आपके क्या लग रहा हुआ है, एक्स। जब यहां से एक्स निकलेगा तो क्या ये रिलैक्स नहीं होंगे? रिलैक्स होंगे तो क्या होंगे, एकदम सीधे फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट होंगे तो बेसिकली ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे सबके सब, आता है समझ में? तो देखिए उसको मैं यहां पर बनाता हूं। तो यहां पर वैसे भी हमें पता है कि जब कार्बोकेटायन, मतलब अब इसकी एक वैलेंसी तो खत्म हो चुकी है, तो बाकी जो तीनों है बेसिकली वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। और ये देखिए कार्बोकेटायन जनरेट होगा और हमें पता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। मैंने आपको कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर एक वीडियो में बताया भी था, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही कह रही है प्लेनर, आता है सबको समझ में? ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक ही प्लेन में आ गया। अब मतलब समझिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, मैं ये ले लेता हूं, एक ही प्लेन में आ गया, ठीक है। यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये आपका कार्बन है, उसकी ये एक वैलेंसी, ये एक दूसरी वैलेंसी और ये तीसरी वैलेंसी, सारे एक ही प्लेन में आ गए, सबको दिखाई दे रहा है। अब सीन देखिए अगले स्टेप में क्या होएगा, लेकिन यहां पर पहला स्टेप आपका खत्म हो गया, ये कार्बोकेटायन की जनरेशन हो चुकी है, ठीक है, कार्बोकेटायन की यहां पर जनरेशन हो चुकी है जो कि काफी आसान थी। ये आपका फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया, अब इसके आगे नहीं है। अब इसके आगे आपका कौन सा स्टेप चलेगा, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में ही आपका कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, सबको समझ में आता है? लेकिन जरा ध्यान से इसको देखिए, मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये सारे एक ही प्लेन में आ गए तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा वो आगे से भी कर सकता है अटैक। ये देखिए अगर आगे से अटैक किया इसने कार्बन को, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने आगे से अटैक किया तो ये पीछे की तरफ मुड़ेंगे, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी तो अटैक कर सकता है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो ये आपकी तरफ मुड़ेंगे, आया सबको समझ में? तो अपने आप से दो कंपाउंड बन गए, कौन सा, एक रिटेंशन और दूसरा इन्वर्जन, यानी कि रेसोमिक मिक्सचर बनेगा। अब इसको आगे से भी अटैक कर सकता है, उसको पीछे से भी अटैक कर सकता है, जबकि आप याद करो SN2 केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बैक अटैक होता था। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो SN2 केमिकल रिएक्शन में बैक अटैक होता था, जबकि SN1 केमिकल रिएक्शन में फ्रंट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सीधा है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है, बस यही खास बात है। आगे सबको समझ में, फ्रंट और बैक दोनों अटैक की वजह से यहां पर दो कंपाउंड बनेंगे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और उसी को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इतना आसान है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए मैं आपको यहां पर स्टेप नंबर टू में चलते हैं। सो यहां पर कार्बोकेटायन का जनरेशन हो चुका है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये हमने समझ लिया स्टेप नंबर वन में, आता है सबको समझ में? अब स्टेप नंबर टू की तरफ बढ़ रहे हैं, अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करेगा, आ गया सबको समझ में, जो कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक होगा। तो मैं उसको यहां बना देता हूं। देखिए स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि वैसे भी तैयार है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो अपने आप ये नेगेटिव क्या करेगा, उसकी तरफ अप्रोच करेगा, उसको अटैक करने की जरूरत नहीं है, वो अट्रैक्शन से चला जाएगा उसके ऊपर, आया समझ में? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मजे की, आपका जो स्टेप नंबर वन है जो मैंने यहां पर लिखा है वो इस पूरी केमिकल रिएक्शन का आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यही स्टेप स्लो है, आप खुद से ही सोचे ना, ब्रेक करने में समय लगेगा, लेकिन जैसे ही ये अरेंज हो गया, मतलब आपका कार्बोकेटायन बन गया, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पार्ट तो उसको अप्रोच करना चालू कर देगा, ये काम तो फास्ट होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो ये काम तो फास्ट है, लेकिन ये काम तो स्लो होगा ना, कि इस बॉन्ड को तोड़ के फाइनली कार्बोकेटायन की जनरेशन करना, ये स्टेप आरडीएस कहलाता है, आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आगे समझ में? और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आप ऑर्डर निकालते हो, बस इसका ध्यान रखना। और मजे की बात, आपके जो स्टेप नंबर वन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट, और तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वन, क्योंकि सिर्फ अकेला है, न्यूक्लियोफाइल तो कहां आ रहा है, सेकंड वाले स्टेप में आ रहा है जो कि फास्ट होता है, आगे समझ में? अब यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, वो रहा आपका कार्बोकेटायन, ये देखिए, अब ये आपका कार्बोकेटायन वहां जनरेट हो गया था। अब इस कार्बोकेटायन में कौन सी चीज क्या क्या है, जब ये सारे फ्लैट हो गए तो फ्लैटर हो गए, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, सब में दूरी सेम है, आपको लग रहा होगा सारे एंगल सेम है और यहां पर दूरी भी सेम है, ये H, ये R और ये R डैश, आ गया सबको समझ में? अब यहां से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। अगर यहां पर ध्यान से इसको देखिए, अगर उसने फ्रंट अटैक किया,
ध्यान से देखिए, अगर उसने फ्रंट अटैक किया तो क्या कंपाउंड बनेगा? अगर यहां पर फ्रंट अटैक हुआ तो देखिए, ये देखिए जरा ध्यान से, ये एक्स निकला था, पहले वो यू थे, एक्स निकला तो वो यू हो गए। अगर वापस से उसने फ्रंट अटैक ही कर दिया, जहां से एक्स निकला वहीं से आया, तो फिर से वो यू हो जाएंगे। ध्यान से मेरे हाथ की सिचुएशन को देखो, पहले वो यू थे तीनों के तीनों ग्रुप, जब एक्स जुड़ा हुआ था, एक्स निकला तो वो यू हो गए। अब न्यूक्लियोफाइल आया यहीं इसी पोजीशन पे, तो वापस यू हो गए, तो उसने रिटेन कर ली अपनी पोजीशन। तो अगर फ्रंट अटैक हुआ तो रिटेंशन कंपाउंड बनेंगे, रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उसने रिटेन कर ली, रिटेंशन कंपाउंड बनेंगे, रिटेन कर ली अपनी पोजीशन को, मतलब यहां पर सबकी पोजीशन सेम ही होगी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो मैं उसको यहां पर बना देता हूं, देखिए ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है, ये आपकी डैश पोजीशन हो गई जिसमें आर लग रहा है, और ये आपकी वेज पोजीशन हो गई जिसमें आर डैश लग रहा है, सेम कंपाउंड बन गया, रिटेंशन। जब आपका क्या होगा? फ्रंट अटैक, मैं लिख देता हूं, अगर फ्रंट अटैक हुआ तो आपका रिटेंशन कंपाउंड बनेगा, मतलब सेम पोजीशन होगी, सिर्फ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होता है सब लोगों? कितना आसान है। और बाय चांस अगर आपने यहां पर बैक अटैक करवाने की कोशिश करी, तो मैं लिख देता हूं बैक अटैक, आता है सबको समझ में? तो बैक अटैक के केस में क्या होएगा, उसके कंपाउंड को मैं इधर बना रहा हूं, हालांकि मैं पहले बना चुका हूं, तो बैक अटैक के केस में क्या होएगा जरा देखो, पहले वो ऐसे थे, क्लियर होता है, और ये एक्स था, एक्स निकला तो वो सीधे हो गए, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये सीधे हो गए, दिखाई दे रहे हैं ना। अब अगर उसने बैक अटैक करने की कोशिश करी तो यूं मुड़ जाएंगे, आया समझ में? अगर यूं मरे तो पहले के मुकाबले, पहले तो ऐसे थे, अब वो यूं हो गए, तो फाइनली यूं हो गए, तो ये क्या हो गया? इनवर्ट। तो फाइनली इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, मतलब ये कार्बन अब पीछे से जाके अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे जुड़ेगा, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन डैश पोजीशन पे आर, और वेज पोजीशन पे आर डैश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं। नाउ दिस इज इन्वर्जन। छोटी सी जगह है, पर आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, और जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए। अगर हम लोग रिटेंशन कंपाउंड यानी कि फ्रंट अटैक किए तो रिटेंशन, और अगर बैक अटैक किए, नाउ दिस इज बैक अटैक, अगर बैक अटैक किए तो इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। नाउ दिस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब दिस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, उसका मतलब क्या है? देखिए, अगर एक्सपेरिमेंटली ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओवरऑल अगर ये मिक्सर आपने भर के रखा है और उससे पीपीएल पास करवा रहे हो, तो एक उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल देखिए, ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, पीपीएल सीधी निकल जाएगी। दिमाग लगाइए, कोशिश करिए, पीपीएल निकल रहा है, ये उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये उसको एंटी क्लॉकवाइज, ओवरऑल पीपीएल तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रोटेशन को यही कैंसिल कर देंगे। आया समझ में? यही रेसेमिक मिक्सचर की खास बात होती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? खुद से दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, बस इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, टिल देन इस मैकेनिज्म को, स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू को आप ध्यान से लिख लो, फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग SN1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी तक आपने पढ़ी, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्पेशली मैं रेट के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, जिसपे सवाल सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, क्यों ये यूनिमोलिकुलर कहलाता है। सबको समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो रेट के लिए ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर था। आपने ध्यान दिया होगा, स्टेप वन जो था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, याद है आप लोगों को? और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा था आपका? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन पार्टिसिपेट कर रहा था, आता है सबको समझ में? सिर्फ आरएक्स पार्टिसिपेट कर रहा था, और वो कौन था? वो मैंने आपको दिखाया भी था, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये एक्स, ठीक है, डैश पोजिशन पे आर, और वेज पोजिशन पे आर डैश। सबको मालूम है, यही था ना हमारा सबस्ट्रेट, और यही पार्टिसिपेट कर रहा था, और यहां पर कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल तो था ही नहीं स्टेप वन में। तो स्टेप वन क्योंकि आरडीएस था, तो हमारी इसके लिए अगर रेट लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखोगे? रेट आर इज, रेट इज इक्वल टू के, ये क्या है? रेट कॉन्स्टेंट, और वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? आर एक्स यानी कि हेलो एल्केन टू द पावर वन, और तो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी रेट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया?
सो वहां पर एक्सपेरिमेंट ही मालूम पड़ा है कि स्टेप नंबर वन में सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन पार्टिसिपेट करता है, तो ये यूनिमोलिकुलर हो गया। और इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू वन। सबको समझ में आ गया? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझने लायक है, क्योंकि स्टेप नंबर वन आरडीएस है तो आपने देखा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेट को ऐसे लिखा जा सकता है और उसका ऑर्डर वन होएगा। सबको क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है। अब ये बहुत ही खास बात है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है आपको, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर की खास बात क्या होती है कि वहां पर आपको रिटेंशन वाला कंपाउंड भी मिलेगा। रिटेंशन मतलब सारी पोजीशन जो है बाकी ग्रुप्स ने रिटेन करी और सिर्फ एक्स की जगह क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। एक तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि सवाल तो यही पूछे जाते हैं, क्लियर होता है। और एक उसकी मिरर इमेज बनेगी, सेम इसकी मिरर इमेज, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये एनयू, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डैश पोजीशन पे आर और वेज पोजीशन पे आर डैश। ये देखिए एक दूसरे की मिरर इमेज होता है, ये रिटेंशन है, ये कौन है? इन्वर्जन। इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन, क्लियर होता है। और इसी को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो आपके पास इस तरह से दो कंपाउंड बनेंगे। आया समझ में? इनमें सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही डिफरेंस है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो को हम लोग पॉजिटिव से भी लिखते हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला, तो ये लीवो रोटेटरी होगा। आता है समझ में? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, सिर्फ पीपीएल को ये क्लॉक घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉक। अगर ये दोनों एक ही बार में भरे हुए हैं, एक ही ग्लास में भरे हुए हैं, तो पीपीएल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लॉक घुमाएगा तो वो एंटी, फाइनली आपकी जो पीपीएल है वो सीधी निकल जाएगी। आता है सबको समझ में? तो ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है उसको ध्यान से देखें। यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि जो आपकी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी आप खुद से ही सोचिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से इसको देख लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या है, जरा सोचिए। यहां पर रेट उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो रेट यानी कि स्पीड लग रही है वो तो फर्स्ट स्टेप में लग रही है। समझ में आता है? टाइम किसमें लग रहा है? बेसिकली फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप तो फास्ट था, तो यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट है, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है। इसका मतलब रेट उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। अगर यहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होगा तो पीछे की तरफ चला जाएगा। आगे सबको समझ में? तो यहां पर रेट जो है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतनी फास्ट फॉरवर्ड वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। आता है सबको समझ में? तो यहां पर मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हमको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट कौन होता है? ये, दैट इज CH3X, जहां पर ये कार्बन जिससे वो X जुड़ा हुआ है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको 0 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको पकड़ो, उन शब्दों को पकड़ो। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी क्योंकि आरडीएस में आपकी कार्बोकेटाइन पैदा होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद क्या है? 0 डिग्री। क्लियर होता है? क्योंकि सीन कुछ ऐसा है, कार्बोकेटाइन पहले बनेगा तो अब तो ये सीधे हो गए। अब तो चाहे, अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पीछे से भी उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस है और आगे से भी उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेने देना नहीं है। अब तो सीन कुछ ऐसा है कि जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है जो ऐसे फ्लैट हो गया था वो स्टेबल होना चाहिए। आगे समझ में? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट उस पर डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सबसे कहूंगा कि यहां पर फोकस करो, सवाल यही पूछा जाता है। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? जब ये जो कार्बन जिससे एक्स जुड़ा हो वो खुद तीन कार्बन से जुड़ा हो, वो ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। 2 डिग्री का मतलब जब वो 2 कार्बन से जुड़ा हो और 1 हाइड्रोजन से, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। 1 का मतलब जब वो सिर्फ 1 ही कार्बन से जुड़ा हो और यहां पर बाकी वैलेंसीज उसकी हाइड्रोजन से और 1 एक्स से पूरी हो रही है, उसको 1 डिग्री। और 0 डिग्री मैंने वहां पर बनाया ही है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और फाइनली यहां पर फोर्थ पॉइंट में आप यहां पर क्या करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हो
ठीक है, सॉल्वेंट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपकी रेट को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में मदद कर रहा होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए आप पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हो। बस ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब हो गया हमारा, सबको समझ में आता है। अब फाइनली एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। सो फाइनली लास्ट एक छोटा सा लाइव एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखिए, यहां पर कोई भी एक मैंने क्या ले लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मान लीजिए कि कार्बन के साथ एक वैलेंसी तो क्लोरीन ने कंप्लीट करी, एक हाइड्रोजन ने, एक यहां पर डैश पोजिशन पे CH3 लग रहा है, और मान लीजिए वेज पोजीशन में कौन लग रहा है, C2H5। आता है सबको समझ में, 2 डिग्री है ये कंपाउंड। कैसे, क्योंकि कार्बन बेसिकली सबसे पहले तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, फिर ये 2 डिग्री क्यों है, ये जो कार्बन है जिससे वो एक्स जुड़ा हुआ है वो खुद दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पर दिख रहे होंगे 3, लेकिन ऐसा है नहीं, ये क्या है, ये है CH2, फिर उसके बाद CH3 है, तो 3 नहीं है एक्चुअल में, वो 2 ही है, ये कार्बन और ये कार्बन, आपके दिमाग में होना चाहिए। यहां पर C2 लिखा था, आप सोचते 2 ये होगा और एक ये, 3 नहीं है, 2 ही है, क्योंकि ये कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से, ये वाला कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है, उससे थोड़ी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गया। अब बस सिंपल सी चीज है, यहां पर सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी, तो यहां पर कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है, ध्यान से इसको देखो, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और यहां पर C2H5, क्लियर होता है, तो यहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया, आसान है, ठीक है। अब सब में डिस्टेंस सेम ही है, अलग नहीं है, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली यहां पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। अब वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी, तो सिंपल यहां पर 2 कंपाउंड बनेंगे। देखिए, अगर यहां पर फ्रंट अटैक हुआ, फ्रंट अटैक FA, तो कंपाउंड क्या बनेगा, सेम ऐसा, सिर्फ यहां पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। तो देखिए, यहां पर वही हाइड्रोजन है, डैश पोजिशन में वही CH3 है, और वेज पोजिशन में यहां पर C2H5 है, और यहां पर जुड़ गया है जी न्यूक्लियोफाइल, क्लियर हो गया सब लोगों को। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आप जैसे कि मान लो OR ले लो, OR-, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। सो फाइनली ये अटैक करेगा, तो यहां पर OR जोड़ दीजिएगा। आया सबको समझ में, R का मतलब कोई भी कार्बन चैन होगी, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ईथर की। और मान लीजिए अगर आपने यहां पर बैक अटैक करवाया, क्लियर हो गया, तो क्या बनेगा, ये पोजिशन के जस्ट उल्टा, तो न्यूक्लियोफाइल अब पीछे से आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर ये हाइड्रोजन हो गया, डैश पोजीशन पे CH3 हो गया, और वेज पोजीशन पे C2H5। देखिए इस तरह से ये 2 कंपाउंड यहां पर फॉर्म होंगे, ये देखिए दिखाई दे रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। अब देखिए ये क्या हार्ड है, नहीं है बिल्कुल भी, आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल भी दे दिया है, और यहां पर SN1 और पिछली वीडियो में SN2 दोनों खत्म हो गए थे। अगली वीडियो में एक बार मैं आपको SN1 और SN2 के बीच में प्रॉपरली डिफरेंसेस करा दूंगा, जिससे दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको और भी चीजें अच्छी अच्छी बताऊंगा। टिल देन फटाफट से इन वीडियोस को कंप्लीट करो, ध्यान से उनको देखो, नोट डाउन करो कि क्या लिखा जा रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बराबर मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करना है। कई लोग पूछते हैं सर होमवर्क कौन सा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे, वहां पर अनअकैडमी का एक आपको होमवर्क दिया हो तो उसको क्लिक करो, आपको वहां पर जो भी यहां पर लेक्चर देखने को बोला जा रहा है वो आप देखिए, वो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा। मे भी हो सकता है वो चैप्टर से रिलेटेड हो, मे भी हो सकता है वो जेई के क्वेश्चन हो, मे भी हो सकता है कोई एक ऐसा टॉपिक हो जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली इन फ्यूचर, तो आपको बस वो देख लेना है फटाफट से, एक बार 10 ही मिनट का होता है, फटाफट से एक बार देख लो, वो आपको काम आएगा। इसलिए विजन से सोचा गया है और फिर वो आपको दिया गया है, इस चीज को समझे, तो फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।